पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिला पंचायत चुनाव परिणाम के बाद से ही विपक्ष के निशाने पर है और अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जारी की गई प्रत्याशियों की सूची में कुछ अपराधियों के नाम आने से भाजपा द्वारा जारी की गई सूची विवादों में आ गई है। जनपद संबल असमौली ब्लॉक के लिए जिस नाम की घोषणा की गई है उस प्रत्याशी के खिलाफ जनपद अमरोहा के रजबपुर में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। जनपद संबल के असमौली ब्लॉक में भाजपा द्वारा अनुज कुमार को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से विवाद गहरा गया है। दूसरे प्रत्याशी की माने तो उन्होंने अनुज कुमार की तुलना विकास दुबे से करते हुए कहा कि वो आने वाले समय में बड़ा अपराधी बनेगा। उन्हें खुद धमकी दी जा रही है। वहीं सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने तो पूरी भाजपा को ही घेरते हुए गंभीर आरोप लगा डाले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा तो अपराधियों की शरण स्थली बन गई है और अब संबल के असमौली में भी एक अपराधी को ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ाने जा रही है। जिला पंचायत चुनाव के बाद से सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा सपा सहित पूरे विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष ने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि प्रशासन और पुलिस के बल पर भाजपा ने प्रदेश भर के जिला पंचायत अध्यक्ष पद हासिल किए हैं और अब अपराधियों को ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मैदान में उतार रही है। विपक्षी दल सपा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने असमौली ब्लॉक प्रमुख के लिए अनुज कुमार नाम का ऐसा प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है जिसके खिलाफ पड़ोसी जनपद अमरोहा के थाना रजबपुर में धारा 147, 148, 149, 307, 341, 506 और 120 बी जैसी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। FIR के अनुसार लगभग 7 महीने पूर्व अनुज कुमार ने कुछ शूटर्स को हायर करके मोहित चौधरी पर जानलेवा हमला कराया था जिसमें मोहित को कई गोलियां लगी थी और जो गोलीकांड खास चर्चित भी रहा था। भाजपा प्रत्याशी इस मामले में जमानत पर हैं और अब भाजपा के टिकट पर असमौली ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ाने जा रही है। हत्या का आरोप है और ये तो पार्टी को समझना चाहिए कि क्रिमिनल आदमी को टिकट क्यों दे दिया और ये तो जेल जाएगा ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। क्या विकास के बुंदे सर? ये मेरा विकास क्षेत्र में काम कराऊंगा और सड़क पानी जो भी है गरीब लोगों के साथ रहूंगा, मिलकर चलना है मेरा ये काम। शिक्षा तो पार्टी का निर्णय, पार्टी का निर्णय भी है। दूसरा कुछ लोग इसे तो विकास दुबे बनाना चाहते हैं, यहाँ लूट पाट हत्या ये कराएगा और ये इसका पुराना काम है और इससे बहुत भयमुक्त समाज, हम खुद भी हमारी हत्या कराना चाहता हूँ, कहता हम अगर जीतेंगे तो हम मरवा देंगे। हम बीजेपी के हैं, बीजेपी के ही रहेंगे। अनुज जो है वो अपराधी है, उस पर 3 साल से केस चल रहे हैं, उसने मर्डर भी कर चुके हैं लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। क्या ऐसे ऐसे प्रत्याशी को बीजेपी अपना बहुमत देती है, अपने कैंडिडेट बनाएगी? हम बीजेपी के हमेशा बीजेपी के ही साथ रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे। उस पर हत्या का आरोप भी लगा हुआ है, उन्होंने आज फार्म भराया, क्या कहना चाहते, किस बेस पर उनको टिकट मिला गया और क्या वो है सर? मुझे तो जानकारी नहीं है कोई उस पर केस चल रहा है सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत किया है तो उसको जांच करके किया होगा। 307 समेत जो है करीब आधा दर्जन धाराएं के तहत उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है अमरोहा में और जिलाध्यक्ष के द्वारा सूची जो जारी की गई है, क्या मानना है इसको लेकर? मुझे जानकारी नहीं है कि उस पर कहां का मुकदमे हैं, अगर मुकदमे हैं तो देखा जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।